खबर ग्वालियर से है, जहां उपनगर मुरार थाना क्षेत्र में दो इनामी बदमाशों का जुलूस निकाला गया। बता दें कि इन दोनों बदमाशों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों बदमाशों ने सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर अपराधों से तौबा करने का वादा किया। पुलिस के मुताबिक नीरज राणा नामक भिंड के रहने वाले युवक को जान से मारने की नीयत से 21 अगस्त को अनूप जाट और संजय जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दी थी। घटना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में लगी थी। वहीं पुलिस टीम को बदमाश चंबल ढाबे के पास खड़े दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके पकड़ लिया। दोनों के ही आपराधिक रिकॉर्ड हैं। पुलिस का कहना है कि उनके दोनों फरार साथियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 21 अगस्त को जो है मुरार थाना क्षेत्र में ऋषि गालब स्कूल के पास में नीरज जाट को बातचीत के लिए बुलाया गया था और इसी दौरान उसमें प्राणघातक हमला कर उस पर गोली चलाई गई थी, जिससे उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था। उसकी रिपोर्ट पर से जो है हत्या का अपराध व अन्य धाराओं का अपराध चार लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें संजय राणा उर्फ सैंकी और अनूप राणा घटना दिनांक से फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था और ये लगातार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे। आज जो है मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर मुरार पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर इन दोनों खतरनाक बदमाशों को, इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इनके कब्जे से 2-315 बोर के कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इनके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी कर इनसे पूछताछ की जा रही। इनके शेष जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम रवाना की गई। लगभग कितने मामले दर्ज हो गए इनके ऊपर? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और इनके ऊपर काफ़ी अपराध पंजीबद्ध है और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है।